ये शोर चारों ओर मचा था ऑडिशन में। पापा बेटी की फर्स्ट एवर अनोखी डांस जोड़ी जो है जेनरेशन वन और जेनरेशन थ्री का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन जिसका दीवाना बन गया है पूरा नेशन, जिन्हें देखकर फौलादी माचो मैन सुनील शेट्टी भी पिघल गए। ब्यूटीफुल। और जिन्होंने इनकी दीवानगी को देखा वो बस देखते रह गए। तो आइए मिलते हैं हमारे परिवार और इंडिया की पहली बाप बेटी जोड़ी से, जिसमें पापा दिल है और बेटी धड़कन, मुकेश और सरगम। मैं कह रही थी ना सर, वो बाप बनती जा रही है सबका। तो चलिए मैम, पहली बार डांस दीवाने में एक बाप बेटी की जोड़ी हम देख रहे हैं जो ऐसा डांस करते हैं कि सबको नचा देंगे आप। आपको देखकर पता है आपकी स्माइल जो है ना इतनी मजेदार है, जब आप डांस करते हैं तो हम आपको देखते रहते हैं। वो बेटी आपकी बाप है क्योंकि वो ऐसे एक्सप्रेशंस देती है, एक एक मूवमेंट ऐसा पकड़ती है, इट्स अमेजिंग। तो वी आर सो लकी कि डांस दीवाने में ये एक जोड़ी है जो आगे बढ़ेगी और देखेंगे परफॉर्मेंसेस आपके हम, और ऐसे ही अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देते रहना क्योंकि आज की भी बहुत बॉलीवुड, मेरा ही गाना था आपको देख के, किशन कन्हैया का गाना था ये। जी जी मैम। सो फैंटास्टिक, कीप इट अप, आपके लिए तो ये बनता है। थैंक यू सो मच। और ये जो बाप बेटी की जोड़ी है इनके लिए मैं कुछ करना चाहूँगी, कर दूँ? श्योर मैम, इजाजत हो तो। अरे मैम, इजाजत की बात कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओ मेरी जान, जब वो बोल रहे थे ना ओ मेरी जान, तो ऐसे लग रहा था कि जान ही है आपकी। और वो मैंने देखा आपकी आंखों में आपको परफॉर्मेंस करते हुए। सरगम, आप तो सुपरस्टार हो यार, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, आपके एक्सप्रेशन मेरे घर में भी सब लोग, दोस्त लोग भी बोलते हैं यार आप फादर डॉटर डुओ अनबिलीवेबल। और जेन्युइनली आप लोग अनबिलीवेबल हो।
यू नो आवर फादर जैसे कहते हैं ना, ही लव्स, ही गिव्स, ही टीचेस, ही इंस्पायर्स. तो आई थिंक आपके पापा वो सब आपके साथ करते हैं. आई डोंट नो आपके पास वक्त रहता नहीं था, आप कैसे इसके साथ इतना वक्त बिताते थे, कैसे आपने यू नो एक गुरु, एक बाप, एक माँ का तीनों का रोल निभाया. आई थिंक ये मैं जानना चाहूँगा एज अ फादर, ताकि आपसे और कुछ सीखूँ और कहीं सुधार सकूँ. एक्चुअली सर मैं काम पे चला जाता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और मैं जब सच में मैं वापस आता हूँ तो ये बहुत काम कर रही होती है, घर को भी संभाल रही होती है, और छोटी बच्ची है, मुझे भी लगता है कि नहीं इतना काम नहीं करना चाहिए. और कोई चीज़ें मुझे ऐसा कई बार फील होता है कि मैं जो इसकी जो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, इसका बचपन कहीं ना कहीं चला गया, जो लगता था कि मैं इसमें इसकी ये जो डिजायर्स थी, इसको कभी कभी बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ खेलना, क्योंकि जब मैं शाम को रात को आता था ये मेरा लिए इतना वेट कर रही होती थी घर में कि पापा आएंगे और तभी मैं सोऊंगी. मैंने तो इसकी नींदें भी खराब कर दी थी. और सच में डांस दीवाने में आके मुझे इसकी कुछ इच्छाएं अभी पता चली. मुझे इसको ये चोटियां मैंने कभी नहीं देखा, इसको ऐसे लगता था कि लड़का ही बना के रखा है. मेरी इच्छा थी कि मैं इसको लड़की भी रखूं, बना के प्यारी गुड़िया है, दो चोटियां बनाऊं. और सच में मुझे चोटी भी नहीं बनानी आती. मैं कई बार कह देता हूँ कि इसमें मैं कहीं सरगम मैं तरीके बना देता हूँ, तो पापा आप नहीं, मैं सिर्फ नहीं कर लूँगी. तो ये चीज़ें फेस करने को मिली. वो इसकी विशेष थी, बेस्ट विशेष जो इसने इकट्ठी कर रखी थी विशेष थी इसकी, कि मुझे ये पूरी करनी है. और मैं जितना धन्यवाद करना चाहूँ डांस दीवाने का, उतना ही कम है यहाँ आके इसको वो डिज़ायर इसकी पूरी हो रही है और इसके सपने पूरे हो रहे हैं. जो ये चीज़ चाह रही थी कि दोस्त बने इसके, और जोड़ी छोटी छोटी चीज़ें इसकी पूरी हो रही है. यहाँ पे पता चल रहा है कितने सारे सब इसको प्यार मिल रहा है इसका. तो मैं ये कंटेस्टेंट नहीं है, ये परिवार है. लव यू यार आप लोगों को. थैंक यू. मुझे ना ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं जून में आ गई हूँ. कहाँ गए? जून में. क्योंकि गर्मियों की छुट्टी होती है तो पापा तो बाहर जाते रहते हैं, तो पापा मेरे साथ है, तो जून में पापा मेरे साथ ही रहते हैं. तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आज जून है तो पापा मेरे पास है. ये रिलेशनशिप ही है जो यू नो दैट कीप्स यू टुगेदर. तो आज भी एक चीज आई फील कि मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जब भी घर जाता हूँ और कभी कभार रूम खोल देता हूँ आहान लेटा हुआ, तो मुझसे कहेगा भी कि पापा आ जाओ यार, लेट जाओ मेरे साथ. 28 साल का है, लेकिन आज भी वी शेयर द बेड टुगेदर एट टाइम्स, वी स्लीप टुगेदर, वी सिट डाउन एंड टॉक. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. आपने भी महसूस किया कि वो क्या चाहती है, अपने दोस्तों के साथ जाओ. वो चोटी बनानी चाहती है, वो बोलती कि आपको बनाना नहीं आता तो मैं पोनी बना लूंगी. और ये छोटी छोटी चीज़ें ही अहमियत रखती है लाइफ में. बाकी सब आता जाता रहता है, लेकिन जो वक्त हम बिताते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो वक्त फिर नहीं आता. ये जो वक्त आप साथ बिता रहे वो सबसे इम्पोर्टेंट है. और वक्त से बड़ी कोई करेंसी नहीं है, याद रखना. और ये समय जो डांस ने दिया है हम दोनों को बाप बेटी के साथ इकट्ठा रहने के लिए, तो उसका तो खुद मोल ही नहीं है सर. देखिए आपके इमोशन में मैंने जो मेन काम था वो ही भूल गया मैं. आजा बेटा तू आजा. यू कम हियर क्विक. ये पापा के लिए. Welcome to the Dance Diwane family. क्या बात है जी? किसी शो में कभी बाप बेटी की जोड़ी आई नहीं, और ना ही किसी में आ सकती है, क्योंकि जनरेशन वाला जो है वो सिर्फ डांस दीवाने में ही होता है. तो चलिए जी, बाप बेटी की सुपर हिट जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां. थैंक यू.